नान। अभी ये जो है ये कुलचा रोटी है, और कुलचे रोटी को ये राजमा, राजमा के साथ मैं खाऊं। मैंने राजमा वैसे कभी ट्राई सही नहीं किया। चिकन विंग। आर्यन जो है बहुत कम खाता है, इसने पास्ता लिया है, और सही दौर में ये मिक्स ग्रिल स्टार्टर। इसमें जो है ये मिर्च पकौड़े, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, एकदम जायका आता है मुंह में। और ये जो है ये फिश पकौड़ा, मजा आ गया। और ये शीश कबाब, ठीक है, इतना जायका नहीं है इसमें, ठीक है बिल्कुल। चिकन विंग्स, इतना जायका नहीं है। सबसे मजे की मिर्चियाँ, मिर्ची वाले पकौड़े मुझे बहुत मजे का। तो आप क्या लाई हैं? सारे पकौड़ों की वैरायटी, मिर्चों के पकौड़े सबसे मजे के, वो सबसे मजे के। ये गोभी वो मसाला मच्छी पकौड़ा। प्याज पकौड़े प्याज पकौड़ा मेरे भी बेहतर है, पकौड़े अच्छे हैं बस। अभी मैं सालन में नान। अभी ये जो है ये कुलचा रोटी है, और कुलचे रोटी को ये राजमा,
राजमा के साथ मैं खाऊं। मैंने राजमा वैसे कभी ट्राई सही नहीं किया। अभी जो है ये साग है, ठीक है। मैंने साग कभी नहीं, मुझे साग इतना अच्छा लगता नहीं है। अभी ये जो है ये चिकन कढ़ाई, हमारे पास ये चिकन बिरयानी है और ये जो है ये टकाटक और ये नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त की बहुत यहाँ पे तारीफें सुनी है, देखते हैं ये कैसा है। पाए क्या जायका आ रहा है पायों का? इस नमकीन गोश्त को मेरे सामने काफी देर तक बनाए रखते हैं। ठीक है, ओके, कितने नंबर देंगे? पाँच नंबर, दस नंबर। गोलगप्पे ट्राई करने का टाइम आ गया। ये मैंने जो है ये दही भल्ले लिए हैं और ये आलू चाट और ये थोड़ा सा मसाला, क्या कहते हैं इसे, सिटे नहीं, कॉर्न को क्या कहते हैं, बहरहाल हाँ ये मसाला, ये कॉर्न और ये छोले इसके लिए गोलगप्पे के लिए। तो और इसका पानी जो है ये और बीच में ये बीच में थोड़े से ये दही भल्ले वाला छोले भी डाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा। मुझे ज़्यादातर खाना यहाँ का फीका लग गया, जायका उसमें बहुत मुश्किल से आ रहा था। और फुल बनना होता है? नहीं नहीं, मैं जितना आपको खाना है ओके। गोलगप्पे अच्छे लगे? नहीं आप गोलगप्पे मिलेगा नहीं मिलेगा ओके। अरे नहीं आपको मैं बना दूँ? यहाँ पे जो सही ना वो देख रही है इसका कुछ, मैंने उसको रोटी दी थी मुझे दी है हिना रोटी, कहाँ है हिना, कभी नीचे है ओके मामा देती है। आगे आगे मुका दीजिए धारा के आगे। ओके इस बार पाए चांपे चांपे चिली चीज नहीं चिली चिकन चिकन और लसानिया मैंने कहा ट्राई करूं और निहारी और इसके निहारी बहुत तारीफें सुनते हैं पाकिस्तानी निहारी की। जी हाँ, लेकिन ये वाली दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। फिलहाल ठीक है, मुझे तो थोड़ी सी भी आप स्मेल आ जाओगी बहुत सी। अभी तक नहीं आई, निहारी बेहतर लग रही है, अच्छी लग रही है। बिल्कुल मिर्च मसाला नहीं है, मैं नहीं पता कि निहारी में होता है मिर्च मसाला या नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने खुद भी नहीं खाई भी निहारी, लेकिन पाकिस्तान बहुत मशहूर है। पर आप पाए चखें, पाए इसके लिए बहुत सारे पाए खाने के लिए। और अभी पाए मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते पाए, बहुत चांस दिए पाए को
इन्हें क्या ये रिएक्शन कैसा था भाई का? ये लगता है कोई गंदे पांव से आगे फकान को पाई कभी भी अच्छे नहीं लगे, लेकिन ये कि आपको मैं तो बचपन में बहुत खाए हैं। फकान जो है वो पाकिस्तान में इतना कभी नहीं रहे, वो ज़्यादा दुबई में रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तो पाई तो खाए हैं। पाकिस्तान में भी जब मैं कभी नहीं खाया। और हम चांपे भी लाए हैं, फकान चांपे खाते हैं और अभी जो है चांपे चांपे से लग गया, लेकिन हम लोग दोनों जो है चांपों में इतने शौकीन नहीं है। बहुत मजे कभी नहीं अच्छी लगती चांपे, सही मजे की बात। हाँ अच्छा ये बात है कि खाने पड़ेंगे आगे। तो भाइयों का असली जो रिव्यू है वो सजा करेगी, वो मैंने जो किया है वो सारी बात है वो वैलिड नहीं है क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते भाई। तो असली जो पाई खाने वाली है उससे पूछे भैया कैसा लगा आपको? बेहद मजा आया भाई, मजे के बहुत मजा आया, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह बिल्कुल आ गया, मेरी मजान बातें थी बिल्कुल। यानी ये गांव ये जो गाय के पाँव की वही धूड़ यहाँ पर भी वही जायका दे रही है, यानी लंदन की धूड़ और वहाँ की धूड़। एक्चुअली कि नॉर्मल में पानी मिलता है और फकान बिल्कुल नहीं खाते, तो मैं कभी भी नहीं बनाती। अगर मिलते भी तो नहीं खाता। हाँ ये नहीं खाते, तो इसलिए मैं बस्ती के लिए यहाँ मुफे में इसलिए आई हूँ। बहुत चीज़ें हैं जो कि हम नहीं बनाते, बहुत चीज़ें जो हम नहीं बनाते घर में, तो हम क्या खा रहे हैं? वो निहारी हम नहीं बनाते। और एंड पे यानी अभी डिज़र्ट से पहले हलवा पूड़ी हमने कहा ट्राई कर लें। हलवा पूड़ी बहुत मिलेगी, देखें सिलीना को नहीं अच्छी लगी हलवा, आप देखें ओके। ये गाजर का हलवा है और ये खोया खीर है, पहले खोया खीर खाता हूँ। वाकई बहुत ही मजे की खोया का जायका सही, लेकिन मीठा थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा मीठा। और गाजर का हलवा परफेक्ट, बहुत मजा बहुत मजा, ये बिल्कुल वैसा जैसा कि मुझे अच्छा लगता है, परफेक्ट मीठा परफेक्ट परफेक्ट सही रहा। तो आप ये क्या लाई हैं? मैं लाई हूँ शाही टुकड़े, मैंने कभी भी नहीं खाए, मैंने वो रेसिपी देखी है कि ट्राई नहीं किया, लेकिन आज एक बार होता है कैसा मुझे ये भी नहीं पता। ये अंदर है क्या चीज़? इसके अंदर ब्रेड होती है, उसको उन्होंने फ्राई किया होता है, मुझे पता है। मैं चखूँ क्या था? मैं चखे हुआ है। अच्छा ओ ये थे ओए होए ना, आपको भी नहीं अच्छे लगे? बच्चों को तो जैली सबसे अच्छी लगी है। आइसक्रीम आइसक्रीम सबसे अच्छी लगी है आपको? जैली सबसे अच्छी आइसक्रीम जो बाहर से बनी हुई थी और जैली जो के डब्बे से बनी हुई थी वो इनको सबसे अच्छी लगी है। मुझे सबसे अच्छे जो लगी हैं इनके मिर्चों वाले पकौड़े, हलवा पूड़ी, गोलगप्पे और बाकी मीठे में बेसिकली सब ही अच्छा था, मूंग की दाल का वो हलवा छोड़ के बाकी सब ही अच्छा था मीठे में, यानी बहुत सही था। कुल्फा आइसक्रीम इसीलिए कोई लेते ही नहीं है।
और अभी जो है ये कड़क चाय है, कड़क कड़क मसाला चाय। कल हमने चाय के अड्डे पे पी थी, आज हम रॉयल नवाब में पी रहे हैं। ये तो मसाला चाय है नहीं, ये तो दूध पत्ती है। ये तो इलायची चाय है, इलायची की। सरिता बुफे कैसी लगी थी? बहुत अच्छी लगी क्योंकि पाकिस्तानी खाना याद आ गया। यहाँ पे हम नवाब में आए हुए हैं, रॉयल नवाब लंदन में, और यहाँ की बुफे मज़े की। रीना है, वाओ। आर्यन जी क्या खा रहे हैं? पराठा। अच्छा, हलवा। वाह, मज़े क्या। हम कड़क चाय पी रहे हैं और खाना खा चुके हैं। सईदा अभी भी कोई डिज़र्ट लेने गई है, गाजर का हलवा या कोई। सईदा ये क्या है? ये गाजर का हलवा, गुलाब जामुन चाय के साथ। वाओ, सईदा कैसा लग रहा है? गुलाब जामुन। और कड़क चाय कैसी लगी है? कड़क कितना ही नहीं, चाय जब कड़क है। और आपकी फेवरेट मिठाई गुलाब जामुन? गुलाब जामुन मुझे याद है ये। और इसका टोटल बिल आया है 73 pounds। और वहाँ पे जो मैं बुफे में खाना खाए थे उनकी, उन्होंने जैसे हमने अंदर एंटर हुए थे तो उन्होंने पहले ही कहा था कि नहीं, वहाँ पे कैमरे से आपको सारी जो रेसिपी जहाँ खाने पड़े होते सारे वहाँ पे आपको वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। तो इसीलिए हमने बुफे में जो खाने थे मौजूद, हमने उनका रिव्यू खुद से दिया वहाँ बैठ के खाना खाते हुए। लेकिन वो जिस तरह के वहाँ पर मौजूद थे बुफे की पूरी ओवरऑल हम आपको इन्हें दिखा नहीं सके क्योंकि उन्होंने पहले से कहा था कि इजाज़त नहीं है वीडियो बनाने।